अर्जुन वाच। अर्जुन कहते हैं, आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 2 श्लोक के विषय में बताने जा रहा हूं। यह अर्जुन की जिज्ञासा का श्लोक है और अर्जुन यहां पर कह रहे हैं, अधियज्ञः कथम क्वात्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोशी नियतात्म भी। हे मधुसूदन, भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। मधु नाम के राक्षस का वध करने की वजह से भगवान का एक नाम मधुसूदन था, तो ये कह रहे हैं कि यज्ञ का स्वामी कौन है। और यह शरीर में कैसे रहता है, इस देह में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय, प्रयाण काले मृत्यु के समय कैसे आप जाने जाते हैं उन व्यक्तियों के द्वारा जो कि नियतात्म भी ही, यानी जिन्होंने अपनी आत्मा को नियंत्रित किया हुआ है, जो आत्मसंयमी है, यानी जिन्होंने अनन्य भाव से आपकी भक्ति की हुई है। तो वैसे लोग जब गुजरते हैं तो वे आपको कैसे जानते हैं, किस प्रकार से वे आपके स्वरूप को जानते हैं, आपके किन किन स्वरूपों को जानते हैं। यहाँ पर यही अर्जुन जानना चाह रहे हैं कि आपके किन किन स्वरूपों को वे जानते हैं, किस प्रकार से जानते हैं, कि अंत समय तक जो इतनी तपस्या की है, जो इतनी भक्ति की है, आखिर वे अंत समय तक कुछ न कुछ तो जानेंगे। तो अंत काल तक वे क्या जानेंगे, कैसे जानेंगे, तो इस विषय में कृपया आप बताएं। इस देह में रहने वाले अधियज्ञ कौन हैं और उनको कैसे जानेंगे, उनके स्वामी कौन हैं। यज्ञ के स्वामी के विषय में यहाँ पूछा है, तो अब भगवान क्या उत्तर देते हैं यह हम लोग अगले श्लोक में, यानी 3 श्लोक में जानेंगे। इस श्लोक का तो यही अर्थ है, इतनी जिज्ञासा है। ओम हरि।